अब तेलंगाना भी बुलडोजर पॉलिटिक्स की चपेट में आ गया है। कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसकी जद में कई राजनेता भी आ गए हैं। हैदराबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ रेवंत रेड्डी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये कार्रवाई की जा रही है हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के द्वारा, जिसने 3 महीनों में 18 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर करीब 44 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। इनमें सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं के अलावा मशहूर सिने अभिनेता नागार्जुन की भी कथित अवैध निर्माण शामिल है। बुलडोजर कांग्रेस नेता पल्लम राजू के भाई पल्लम आनंद, AIMIM विधायक मोहम्मद मुबीन और उन्हीं की पार्टी के MLC मिर्जा रहमत बेग, BRS नेता रत्नाकर साई राजू, BJP नेता सुनील रेड्डी के अवैध निर्माण पर भी चला। इस कार्रवाई का हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर विरोध कर दिया है। मेयर साहेबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है उसको। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सरकारी जमीनों, झीलों, तालाबों से अवैध कब्जे को हटाकर ही दम लेगी। 5 किलो आलू के बाद यूपी पुलिस की एक और कारगुजारी सामने आई है। शिकायत लिखने के लिए थाने के मुंशी ने जलेबी की डिमांड कर डाली। मामला हापुड़ का है। बहादुरगढ़ के एक शख्स का मोबाइल गुम हो गया था। थाने में शिकायत लिखवाने पहुंचा तो मुंशी ने शिकायत पर मोहर लगाने के एवज में 1 किलो जलेबी की मांग कर दी। शख्स दुकान पर गया, गर्मा गर्म 1 किलो जलेबी लेकर आया, जलेबी खिलाई और तब जाकर शिकायत पर मोहर लगवाई। मोहर तो लग गई, लेकिन खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जिसके बाद अफसर एक्शन में आए। जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा होमगार्ड राजेश को तत्काल वापस थाने से बुला लिया गया है तथा सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में और गहनता से जांच कराई जा रही है। कन्नौज से भी इसी महीने ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां फरियादी से दरोगा ने 5 किलो आलू की डिमांड की थी। 7 अगस्त को दरोगा को निलंबित कर दिया गया था। रायपुर में अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। वो मरीज माइग्रेन का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। 60 साल का वो मरीज अचानक अपने बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर जाने लगा। बाकी मरीज और उसके तीमारदार उसे देख रहे थे, लेकिन तब वो सामान्य लग रहा था। फिर उसने खिड़की से नीचे की ओर देखा और अचानक खिड़की के ऊपर चढ़ गया। वार्ड में खलबली मच गई, लेकिन जब तक कोई उसे बचाने दौड़ता वो खिड़की से छलांग लगा चुका था। 5वीं मंजिल से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो मरीज सिरदर्द की बीमारी माइग्रेन से बहुत परेशान था और उसने अपनी जान ले ली। सुसाइड करने वाला मरीज उड़ीसा से इलाज के लिए रायपुर आया था। 22 अगस्त से तेलीबांदा के मेडलाइफ हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। ABP News आपको रखे आगे।